स्टूडेंट आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेंटेंस एंड्स विद जो हमारा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वो कैसे ख़त्म होता है मेन वर्ब के साथ रहा होगा रही होगी रहे होंगे प्लस इसमें समय के साथ से का यूज़ करते हैं क्योंकि सेम यही आइडेंटिफिकेशन हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की भी है रहा होगा रही होगे रहे होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस है। इसमें समय के साथ से का यूज़ होता है जिसके लिए हम सिंस या फॉर यूज़ करते हैं और यही हमें अलग बनाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से। सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शैल हैव बीन ये अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट आएगा आई के साथ अगर लगाएंगे तो शैल आएगा और अनदर के साथ हम विल का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम जो भी हमारा टाइम दिया हुआ होगा। एग्जांपल देखते हैं मनोज 2 घंटे से घूम रहा होगा। अब सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लेंगे क्या है मनोज। मनोज के साथ हम विल लगाएंगे विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वॉकिंग फॉर 2 घंटे हमें नहीं पता 2 घंटे कौन से हैं तो क्या लगाएंगे हम फोर अनिश्चित टाइम है तो 4 2 आवर्स। नेक्स्ट हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे। वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नेगेटिव में विल के बाद और हैव से पहले नॉट लगाते हैं स्टूडेंट्स ये बात हमें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम जो भी उसमें दे रखा है। एग्जाम्पल देखते हैं वह दोपहर से नहीं खेल रही होगी। वह की शी सब्जेक्ट आ गया would not have been playing since afternoon. Next, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। राम will not have been walking for 2 hours. अब यहाँ पर since आया या दोपहर से यहाँ पर definite time है इसलिए और 2 घंटे हमें नहीं पता इसलिए हम क्या use करेंगे 4. Interrogative sentence. Interrogative sentence आपको पता है student 2 types के होते हैं first type जो helping verb से start होते हैं and second type जिसमें हम question verb से start करते हैं तो देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्टिंग आपका आ रहा है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस WH वर्ड आएगा प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। देखते हैं एग्जाम्पल क्या तुम 5 घंटे तक रमेश की प्रतीक्षा करते रहोगे तो अभी क्या से स्टार्ट होने वाला है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसे किससे स्टार्ट करेंगे क्या वाला विल से। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर रमेश फॉर 5 आवर्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव जिसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड आता है तो राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा अब यहाँ कहाँ कहाँ है ये WH वर्ड है क्वेश्चन वर्ड है हमारा तो यहाँ पर आएगा वेयर पहले हम कहाँ की लेंगे वेयर उसके बाद मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब विल फिर सब्जेक्ट राम अगर नेगेटिव नहीं है तो हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। आपको इसी तरह ये समझना है और ये वर्क अपनी ग्रामर कॉपी में या ग्रामर रिवीजन कॉपी में दोनों में करना है और ये एक्सरसाइज मैं आपको भेजूँगी आप ये करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप उससे मैसेज से या कॉल से पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।